हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम इन ड्रीम फ्लावर कोचिंग क्लासेस। सामान्य ज्ञान के 5000 प्रश्नों की जो श्रृंखला चल रही है उसका यह 8वां वीडियो आपके सामने प्रस्तुत है। तो समय बर्बाद ना करते हुए हम क्वेश्चंस की श्रृंखला की ओर आगे बढ़ते हैं। सेब का खाने योग्य भाग क्या कहलाता है? तो सही जवाब है इसका गुद्देदार पुष्पासन। दूसरा प्रश्न है, भारत के प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे? तो सही जवाब है इसका गुलजारी लाल नंदा। तीसरा प्रश्न है, अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ और कब खोली? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो सही जवाब है इसका मुसलीपट्टम। चौथा प्रश्न है, नील विद्रोह का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पेट्रियाट के संपादक कौन थे? तो सही जवाब है इसका हरिश्चंद्र मुखर्जी। पांचवा प्रश्न है, भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल कौन सा है? तो सही जवाब है इसका सियाचिन क्षेत्र। सियाचिन एक ऐसा क्षेत्र है जहां का तापमान -40 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है और वहां पर हमारे वीर जवान अपने देश की रक्षा के लिए डटकर खड़े रहते हैं। छठा प्रश्न है, विश्व के सबसे ऊंचे पर्वतों का निर्माण किस हलचल के दौरान हुआ? तो सही जवाब है इसका अल्पाइन हलचल के दौरान। सातवां प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ जिसमें टीपू सुल्तान मारा गया था? तो सही जवाब है इसका लॉर्ड वेलेजली। आठवां प्रश्न है, हरित क्रांति का प्रभाव किस तरह के फसलों पर नगण्य या अत्यंत कम रहा? तो सही जवाब है इसका मोटे अनाजों पर। नौवां प्रश्न है, पांड्य शासकों की राजधानी कहाँ थी? सही आंसर इसका मदुरई। दसवां प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो सही जवाब है इसका माजुली। ग्यारहवां प्रश्न है, घड़ी में चाबी भरने से कौन सी ऊर्जा संचित होती है? सही आंसर इसका स्थितिज ऊर्जा। बारवां प्रश्न है, किसके निधन के पश्चात गुलजारी लाल नंदा को पहली बार प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सही जवाब इसका जवाहरलाल नेहरू। तेरवां प्रश्न है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस के विसरण की दर का अनुपात क्या है? तो सही जवाब है इसका 1:4। चौदवा प्रश्न है, जैन मतावलंबियों ने बोलचाल की किस भाषा को अपनाया? तो सही जवाब है इसका प्राकृत अर्धमागधी। पंद्रवा प्रश्न है, नागालैंड दिवस कब मनाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सही जवाब है इसका 1 जनवरी को। सोलहवां प्रश्न है, कौन सा पर्वत महाद्वीपी जल विभाजक के रूप में जाना जाता है? तो सही आंसर है इसका राकी। सत्रहवां प्रश्न है,
सेन झाऊ सेकंड एवं सेन झाऊ फोर्थ किस देश के मानव रहित अंतरिक्ष यान हैं? सही जवाब इसका चीन के। 18वां प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सही जवाब इसका डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को। 19वां प्रश्न है, दीन बंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना 1884 में किसने की? सही जवाब है इसका ज्योतिबा फुले। और आठवें एपिसोड का अंतिम प्रश्न है, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 9 जनवरी को। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।